जो पॉइंट रहेगा वो एक एक पूरा डिटेल से बताऊंगी कि कौन सी जगह क्या प्रॉब्लम आई है तो गाइस सबसे पहले तो मैंने ये जो मतलब कि ओपन कर रही हूँ मैं पार्सल को आप देख सकते हो पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से होकर आई है इसकी अमेजन से ये मैंने रिसीव किया है पार्सल और ये गाइस इसमें गोडनी मंग, मैंने मंगवाई है जिसका आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कलर वगैरह तो और आ, मतलब कि जो मैंने ऑर्डर करी थी वो आ, मतलब फ़ोटो में यहाँ पे लगा देती हूँ और भाई ये जो मैं ब्लर किया है इस पर मतलब कि जहाँ से पार्सल इन्होंने पैक किया है ऊपर में इन्होंने इनका मतलब कि जहाँ से मुझे ये मिला है पार्सल और यहाँ पे मेरा एड्रेस वगैरह जहाँ पे पहुँचना है ये दोनों चीज़ें मेंशन थी और उसका तो ये मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है और अंदर में इसके साथ ये एक और सेम वही जो सिपिंग एड्रेस वगैरह होता है वही मतलब एक, एक स्लिप इसमें निकली है और प्राइस वगैरह का टैग है इसमें बाकी और कोई भी इसमें टैग वगैरह नहीं है और ये जो मैंने मंगवाई है सेम मुझे वैसी नहीं मिली है जो मैंने ऑर्डर की है उसकी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को भी जो भी फ़र्क मतलब इसमें है वो पता लगेगा तो भाई ये जो मैंने फ़ोटो लगाई है सेम ये साइट पे दी हुई है और मैंने ओनली रेड कलर वाली ओढ़ने मैंने इसको ऑर्डर की है लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये बांधने में भेजी है फर्स्ट तो मतलब कि ये मेरे साथ हुआ है और बांधने में मतलब वर्क वगैरह सेम है और वहाँ पे उन्होंने मतलब मेंशन किया हुआ था प्योर का फैब्रिक जो कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा है ये जो मतलब एकदम वो लाइट वाला जो सिफोन आता है ना वैसा वाला इसका फैब्रिक है और ये आप देख सकते हो ये सिक्वेंस में जो वर्क वगैरह है इसकी वजह से ये धागे इधर उधर मतलब कि उतने अच्छे से नीट एंड क्लीन ओढ़नी नहीं आई है और आप देख रहे हो चारों तरफ बॉर्डर पे जो एक गोटा लगाया हुआ है वो बीच बीच में से इतने गंदे तरीके से निकला हुआ है कि आपको पूरा इसको वापस से लगाना रहेगा बग इसको गाइज जैसे ही मैंने ओपन किया ना हर जगह से ये गोटा निकला हुआ था जो स्टिचिंग इस वगैरह इसकी हो रखी थी वो मतलब कि चारों तरफ से ये निकली हुई थी दूसरा ओढ़ने में कोई भी टैग नहीं है तो ऐसा कई बार होता है कि मतलब कि जो भी आप मतलब कि प्रोडक्ट लेते हो उनमें टैग किसी में आता है किसी में नहीं आता है तो मेरे साथ भी इसमें नहीं आया था अब मैंने गायज इसको रिटर्न करने की सोची थी कि मैं इसको रिटर्न कर दूँ उससे पहले गाइज मैं आपको सारी इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देती हूँ तो गाइज ये मुझे हुई है बांधनी में रिसीव इसको देख के क्योंकि मुझे बांधने में ये नहीं चाहिए थी तो मुझे रिटर्न करना था इसका जो वर्क है वो सीक्वेंस वर्क है और थोड़ा बहुत इसका एम्ब्रॉयडरी का वर्क है एम्ब्रॉयडरी वाला जो वर्क है वो उतने फिनिशिंग से नहीं है सीक्वेंस भी उतनी आ, मतलब अच्छी तरीके से नहीं लगे हुए क्योंकि जैसे एक क्योंकि इसके कई जगह से धागे निकले हुए हैं अगर आप एक भी खींच लेते हो तो पूरा ही जा रहा है तो उससे ये हो रहा है कि जो पूरी सीक्वेंस वाली जो पूरी लाइन है वही मतलब पूरी निकल जाती है तो वो अच्छी भी नहीं लगती है और दूसरी चीज़ की इसमें बड़े बड़े सीक्वेंस है तो अगर एक भी निकल जाता है तो पूरा वैसे के वैसे पता लगता है एंड गैज़ मतलब इसका जो फैब्रिक है वो एकदम घटिया क्वालिटी का है इसकी जो प्राइस है वैसे तो वेबसाइट पर एक में दी हुई है लेकिन फिफ्टी अभी उस पर ऑफ़ इन्होंने कर रखा है तो नाइन्टी नाइन में मुझे मिली है नौ में तो गैज इसको आ, मतलब कि मैंने लिया है तो बिल्कुल भी ये वर्थवाई मुझे नहीं लगी है और गैज इसको आ, मतलब कि ओनली मुझे रेड कलर चाहिए था इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर करी थी लेकिन वो रेड कलर भी आ, मतलब इन लोगों के पास इन्होंने नहीं दिया है ये बाने प्रिंट में दी है और गाइज इन्होंने ना वेबसाइट पे ऑलमोस्ट पाँच से छः कलर डाले हुए हैं मतलब सभी कलर में ना कोई भी बांधी प्रिंट की है ही नहीं जो उन्होंने कलर डाले हुए हैं वो सिंगल सिंगल कलर है जिनमें एक कलर है रेड दूसरा है स्काई ब्लू कलर फिर है नेवी ब्लू कलर और एक ऑरेंज है एक ग्रीन है और एक गाइज मतलब कि जो येलो सा कलर है तो ये टोटल कलर है इनमें एक भी बांधनी प्रिंट की है ही नहीं मैंने जो किया था वो रेड वाला किया था फिर भी पता नहीं ये कहाँ से बांधने की भेजिए वो भी मतलब कि इसमें जो इन्होंने चारों तरफ गोटा वगैरह लगाया उसको भी अच्छे से नहीं देखा है सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये दूसरा जब इसको रिटर्न करते हो रिटर्न लेने वाला आता है वो बोलता है इसमें कि टैग नहीं लगा हुआ है तो वो लेके ही नहीं जाता है तो ये भी प्रॉब्लम कि ऑलरेडी उसमें टैग नहीं आया आया है तो कहाँ से लाभ लगा के दोगे अभी आप देख रहे हो इसमें इस तरीके से बॉर्डर्स पे भी आ, मतलब कि ये निकली हुई है तो और गाइज जैसे रिटर्न कर रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आ, मतलब वो लेके ही नहीं जाता है रिटर्न वाला तो फिर ऐसा क्या ही मंगवाने का मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं निकला है हज़ार रुपये की ये मुझे मिली है लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा इसका नहीं लगा है क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पाँच सौ रुपये की आप मान सकते हो उससे ज़्यादा की ओढ़नी ये है नहीं तो अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो अमेजन से तो बिल्कुल ही मत मंगवाना और इसका गाइज मैं आप लोगों को लिंक वगैरह भी नहीं दूंगी क्योंकि जब मुझे अच्छी ही नहीं लगी और मुझे अच्छी नहीं मिली है तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को भी अच्छी मिलेगी शायद तो ये वाली उतनी अच्छी नहीं मुझे मिली है उससे पहले वाली जो आर्ट कोड ने आपने देखी होगी इससे जस्ट पहले का ही वो वीडियो वो मुझे बहुत अच्छी मिली है और बहुत कम प्राइस की भी वो है और उसमें ऐसी बिल्कुल भी कहीं से ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं से लेस निकल रही है या फिर ये सारी चीज़ें और दूसरी चीज़ मुझे ना इसका जो वर्क है मतलब ये ना फोटो वगैरह में तो काफ़ी अच्छी लगती है आपने शायद कई वीडियोस वगैरह में भी देखी होगी लेकिन अगर आप पर्सनली इसको देखते हो ना उतनी ज़्यादा ये अच्छी भी नहीं लग रही है मुझे तो इसका जो वर्क वगैरह है उतना अच्छा नहीं लग रहा है सीक्वेंस है और ओढ़ने पर गए बहुत ज़्यादा चुभती है आप ओढ़ोगे ना अगर इसको तो बहुत ही मतलब कि मुश्किल रहने वाली है क्योंकि चुभती इतनी बहुत ज़्यादा है कि मतलब कि क्योंकि एक तो एम्ब्रॉयडरी इसमें और फिर ये वर्क वगैरह और गाइज इसमें तो ना मतलब कि इसका तो आ, हर जगह से धागे वगैरह निकले हुए हैं ये देखो आप ये फिर बॉर्डर पे से इस तरीके से ये लेस निकली हुई है उतने अच्छे से ये लग नहीं रही है धागे वगैरह निकले हुए हैं तो फिर है ना इसका कोई मुझे ऐसा यूज़ लगा नहीं है कि हज़ार रुपये लाइक ये है तो इसीलिए लिए फिर आ, मैंने इसको रिटर्न किया लेकिन वो भी नहीं हो पाया तो फिर अब इसको रख ही लिया है कि क्या ही करना अभी सबका और ये आप देख सकते हो इसका जो बॉर्डर का वर्क है वो कुछ इस तरीके का है और गाइज में मतलब कि इसका आप लिंक वगैरह लेके क्या ही करोगे क्योंकि उतनी अच्छी ओढ़नी ये है नहीं और फ़ालतू तो में आप लोग भी देखो आप इसको कि फ़ालतू तो में आप लोगों के पैसे भी वेस्ट ही जाएंगे तो क्या फ़ायदा इसलिए मैं इसका लिंक वगैरह आपको नहीं दूंगी अगर आप जैसे लोकल मार्केट वगैरह से ले रहे हो खुद से परचेज कर रहे हो तो फिर ठीक है बाकी तो मुझे नहीं लग रही है कि उतनी अच्छी ओढ़नी है और अभी वैसे ये काफ़ी मैंने वीडियोज़ वगैरह में देखी ये ओढ़नी कई जगह पर तो ये बहुत सस्ती भी मिल रही है और कई जगह पे ये आप देख सकते हो ऑनलाइन तो इसकी प्राइस यही है तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको लेना ही मत क्योंकि इसमें फालतू ही पैसे वेस्ट करना है और गाइस अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका जो बीच में से वर्क है वो भी दिखा देती हूँ तो इसमें कुछ इस तरीके का मतलब जाल वर्क टाइप में ही है इस तरीके से वेविंग मतलब कि वेव टाइप में इसमें ये जो लगे हुए हैं सितारे वगैरह वो है बाकी उतनी ज़्यादा खास मुझे लगी नहीं है बस यही पैटर्न है इसमें तो बस ये है टोटल इसकी ओढ़ने का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का ही है और गाइज अगर ये आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रिंट वगैरह दिख रही है ना तो इसमें कोई प्रिंट नहीं है ये तो क्या नीचे का जो फैब्रिक है वो आपको दिख रहा है बाकी अभी इसको मैं मतलब कि डबल करके भी आपको दिखाऊंगी अभी ये सिंगल लेयर में है अभी इसको मैं डबल लेयर करके दिखा दूंगी जिससे कि आपको थोड़ा सा इसमें फ़र्क दिख जाएगा बस इस सिर्फ इसमें बांधनी प्रिंट है और बीच में वेविंग टाइप में ये सिक्वेंस का जो वर्क है वो है बीच में मतलब कि ये नहीं है इसमें वर्क जो एम्ब्रोडरी का बॉर्डर्स पे दिया गया है ना ये वाला बीच में नहीं है ये वाला सिर्फ इसमें चारों तरफ बॉर्डर्स पे ही है और ये वाला वर्क चारों तरफ आपको मिलेगा और इसमें जो ये नीचे लेस लगी हुई है ना चमकीली वाली वो सिर्फ़ इसमें दो साइड जैसे पहले वाली ओढ़नी में थे ओढ़नी में थी ना सेम वैसे ही इसमें भी है बाकी और ये कहीं पे भी नहीं है बीच में सिर्फ यही इसमें टोटल वर्क है मैं आपको इसका पूरा एक जूम करके भी आपको और अच्छे से दिखा दूँगी और इसका जो कलर है वो भी मैं आपको इसको ना डबल करके दिखा देती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसमें इस तरीके की ये प्रिंट है। तो ये था आज का वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसकी साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उस पर भी जरूर से क्लिक करना ताकि मेरे और भी जो आने वाले वीडियो जो वो सबसे पहले आप लोगों को मिले एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत मतबू एंड आई होप गाइज आप लोगों को जो भी मैंने ऑनलाइन के रिगार्डिंग जो इसमें इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी अगर ऑनलाइन में आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज टिल देन बाय बाइज